हम बात कर रहे हैं हिंता की। इसको विस्तार से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार पिता पुत्र दोनों साथ मिलकर दूर के शहर में अपना गधा बेचने जा रहे थे। मार्ग में किसी ने कहा कि ये तीन गधे को देखो। अरे भाई, अगर गधा साथ है तो बाप और बेटा पैदल क्यों चल रहे हैं? ये सुनकर बाप ने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया। कुछ आगे जाके किसी ने कहा कि कमाल का बेटा है भाई, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। तो बेटा गधे से उतर गया और बाप को बैठा दिया। कुछ दूर जाकर किसी की बात सुनी, भाई कमाल का बाप है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है। ये सुनकर बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ गए। फिर आगे चलकर किसी ने कहा, बेचारे गधे की तो किसी की फिक्र ही नहीं। ये सुनकर बाप बेटे ने तय किया कि अब हम ही गधे को उठा लेते हैं। जब उन्होंने गधे को कंधे पर उठाने की कोशिश की तो गधे ने भड़क कर लात मारी, दोनों की पसलियां तोड़ दी और भाग गया। हीन भावना से बंधे लोग क्या ऐसे नहीं जीते? कभी कभी हमारे सारे निर्णय लोगों की धारणाओं पर आधारित होते हैं। हम यही विचार करने में जीवन बिता देते हैं कि समाज क्या कहेगा। अपनी जीवन का प्रवाह लोगों की बातें सुनकर बदलते रहते हैं। ऐसी हीन भावना हमें जीवन में सफल नहीं होने देती। क्या ये सत्य नहीं? ये सत्य है कि समाज से उत्तम कोई दर्पण नहीं। अपने आप का परिचय प्राप्त करने के लिए समाज के दर्पण में पड़ने वाले हमारे प्रतिबिंब को देखना अत्यंत आवश्यक है। किंतु ये भी सत्य है, दर्पण की मर्यादा है कि वो उल्टा चित्र दिखाता है। समाज के दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सीधा करके देखना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या होता है? हीन भावना से बंधे लोग सदा ही समाज की बातों के आधार पर निर्णय करते हैं। इससे उलट श्रेष्ठता से बंधे लोग समाज की बात सुनने से बिल्कुल इनकार करते हैं, सिर्फ अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करते हैं। तो उन्होंने ही क्या भूल नहीं कर रहे? इस भूल का उपाय क्या है? बहुत ही सरल उपाय है। हम जितना समाज के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं उतना ही अपने दृष्टिकोण को महत्व दे। अपनी शक्तियों और अपने मर्यादाओं को जानकर आत्मविश्वास से भर जाएं। स्वयं ही हमारे निर्णय हमारे अपने होंगे और अहंकार से भरे नहीं होंगे। ना श्रेष्ठता से लाभ होता है, ना ही हीनता से लाभ होता है। सच्चे आत्मविश्वास से ही जीवन में सुख प्राप्त होता है। इस बात पर मनन चिंतन विचार अवश्य कीजिएगा। आज हमने बात की हीनता की, अब कल की प्रतीक्षा कीजिए।